नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स पॉइंट पर। और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी। दोस्तों, आपको पता है कि इन दिनों हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही है राजस्थान PTI UPLT ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय UP, TGT PGT के आगामी परीक्षाओं की तैयारी से रिलेटेड महत्वपूर्ण रिवीजन क्वेश्चंस की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक शिक्षा की आगामी सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपकी हेल्प करने के लिए ही हमने ये चैनल तैयार किया है। और आज की इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं एथलेटिक्स पार्ट 3 में एथलेटिक्स रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, एथलेटिक्स का ये लास्ट पार्ट है, इसीलिए हमने 100 क्वेश्चंस इसमें शामिल किए हैं। और टोटल 1, 2, 3 पार्ट में हमने इस टॉपिक को पूरा कवर किया है और करीब आपको 200 to 250 क्वेश्चंस सॉल्व कराया है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं हम लास्ट वीडियो के होमवर्क क्वेश्चन से, जो कि पूछा गया था होमवर्क क्वेश्चन में कि IAAF का पूरा नाम क्या है। एंड द करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1912 में की गई थी आपको पता है। और इसको फिर 2000 में इसका नाम बदलकर इंडियन एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन रख दिया गया था। और करेंटली यानी कि 2019 से इसे वर्ल्ड एथलेटिक्स के रूप में भी जाना जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो ये वर्ल्ड एथलेटिक्स वो संस्था है जो कि पूरे विश्व में आयोजित किए जाने वाले ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाने का काम करती है। तो इसका नाम आप जरूर याद रखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई निम्नलिखित में से कितनी होती है। और बात की जा रही है 110 मीटर यानी कि पुरुषों की बाधा दौड़ की। और करेक्ट आंसर आप सभी ने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 1.067 मीटर। जी हाँ दोस्तों, मत भूलिए कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये टेबल दिखाया था और स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था, क्योंकि ये वो टेबल है, वो चार्ट है जो एग्जाम में आपको 1 to 2 मार्क्स जरूर दिलाएगा दोस्तों। तो इसको फिर से रिवाइज करा देते हैं कि 110 मीटर में देखिए जो ऊंचाई होती है हर्डल्स की वो 1.067 मीटर पुरुषों के लिए, और 100 मीटर यानी कि महिलाओं के लिए 0.840 मीटर ऊंचाई होती है। 400 मीटर में देखिए महिलाओं पुरुषों के लिए 0.914 मीटर बाधाओं की हाइट होती है और महिलाओं के लिए 0.762 मीटर हाइट होती है। और साथ ही साथ आपको बाधा दौड़ में आरंभ रेखा से प्रथम बाधा की दूरी, इन सभी रेसेस के लिए बाधाओं की आपस में दूरी इन सभी रेसेस के लिए, और अंतिम बाधा से अंतिम रेखा की दूरी जो होती है इन सभी रेसेस के लिए आपको पता जरूर होना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिए। पुरुष डेकाथेलॉन के दूसरे दिन होने वाली स्पर्धाओं का सही क्रम में चुनाव कीजिए। डेकाथेलॉन ऐसा क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के किसी न किसी तरीके से आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका सही सीक्वेंस क्या है। देखिए तो सही आंसर आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। यानी कि देखिए हम आपको बता देते हैं सही सीक्वेंस क्या होगा, 3, 1, 2, 5th and 4th। यानी कि सबसे पहले जो होता है, देखिए दूसरे दिन की बात की जा रही है, 110 मीटर बाधा दौड़ आयोजित की जाती है यहाँ पे, क्योंकि दूसरे दिन की स्पर्धाओं का सही क्रम पूछा गया है। और इसके बाद डिस्कस थ्रो की बारी आती है, ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ 1, देन 2, देन पोल वॉल्ट होता है नंबर 3 पे, देन जेबलिन थ्रो होता है, और लास्ट इवेंट जो होता है डेकाथेलॉन इवेंट के दूसरे दिन का वो 1500 मीटर रेस होता है। तो देखिए ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, दिस इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर डेकाथेलॉन इवेंट सेकेंड डे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, उन एथलीटों की पहचान कीजिए जिनकी पेशियों में अधिक ST रेशे और अपेक्षाकृत कम FT रेशे पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात की जा रही है ST रेशो की, यानी कि
स्लो ट्विच मसल फाइबर्स की और अपेक्षाकृत कम एफटी रे से पाए जाते हैं, यानी फास्ट ट्विच फाइबर्स जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, और एसटी यानी कि स्लो ट्विच फाइबर्स जिनमें ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हियर। ये हम आपको समझा देते हैं, देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, उन एथलीट्स में जिनमें स्लो ट्विच फाइबर्स जो होते हैं ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स या फिर मैराथन रेस के धावक, क्योंकि इनमें स्लो ट्विच फाइबर्स पाए जाने के कारण ये सबसे धीमी गति से सिकुड़ते हैं और क्या करते हैं कि ये देर तक ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करते हैं एथलीट्स को। और जो एथलीट्स होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स, रनिंग वाले, वो देर तक जो है दौड़ में भाग ले सकते हैं और खुद को दौड़ में रख सकते हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स वाले जो एथलीट्स होते हैं वो। और बात कर लेते हैं फास्ट ट्विच फाइबर्स जो जिनमें पाए जाते हैं वो एथलीट्स कौन से होते हैं, तो वो होते हैं स्प्रिंट रेसर्स, यानी कि स्प्रिंट एथलीट्स की बात की जा रही है, तेज दौड़ने वाले जो धावक होते हैं उनमें एफटी रेस यानी कि फास्ट ट्विच फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं और उनमें जो है ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, काफ़ी कम समय में उन्हें अपना जो है रनिंग फिनिश करना होता है, जैसा कि स्प्रिंट रेस में होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक में डिस्कॉस शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, फेंकने की वस्तु। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी कूद में हवाई दूरी का निर्धारण करने वाले निम्नलिखित कारकों को सही क्रम में सजाइए। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, बी डी सी ए। ये देखिए ध्यान से, आपको बता देते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या होता है सही सीक्वेंस? देखिए, लॉन्ग जंप के लिए टेक ऑफ वेलोसिटी, टेक ऑफ एंगल, टेक ऑफ हाइट एंड एयर रेसिस्टेंस इज द फोर्थ स्टेप, दैट इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर लॉन्ग जंप। नाउ एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? और बात की जा रही है भारतीय एथलेटिक फेडरेशन की, जो कि भारत में ऑर्गेनाइज होने वाले सभी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाने का जो संस्था काम करती है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ट्रैक और फील्ड इवेंट्स को कंट्रोल कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है? तो सभी ने करेक्ट आंसर गेस ही कर लिया होगा, IOA। सॉरी फ्रेंड्स, भारत में यहाँ पे बात की जा रही है, इंडिया में, तो पहले हमने आपको बता दिया है AAFI, जिसका नाम है एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये भारत में आयोजित होने वाले सभी ट्रैक और फील्ड गतिविधियों को आयोजित करने का या नियंत्रण करने का काम करती है ये संस्था, यानी कि AAFI इज करेक्ट नेम, एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और करेंटली इसे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्बरी फ्लॉप शब्द का संबंध किससे है? तो सभी को पता है ऊंची कूद से इसका संबंध है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइथलॉन बहु खेल कूद प्रति कॉम्पिटिशन जो होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉम्पिटिशन जो होता है, तो और एक एकल स्पर्धा में शामिल होता है। आपको यहाँ पे बताना है कि जो ट्राइथलॉन होता है जिसमें तीन इवेंट शामिल होते हैं, तो वो कौन से तीन इवेंट्स इसमें शामिल किए जाते हैं? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आंसर हम आपको बता देते हैं। पहला जो होता है 1.5 किलोमीटर स्विमिंग, दूसरा 40 किलोमीटर साइकिलिंग और थर्ड जो होता है 10 किलोमीटर रनिंग इसमें शामिल किए जाते हैं। और बात की जा रही है ट्राइथलॉन इवेंट की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। और ट्राइथलॉन इवेंट को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो 2000 सिडनी ओलंपिक में से शामिल किया गया था। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 3000 मीटर स्टिपल चेज में कितनी हर्डल्स और कितनी वाटर जंप होती हैं? सभी को पता है 28 और 7, कई बार हम इस क्वेश्चन को बता चुके हैं, लेकिन एक और क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे तैयार करा देते हैं दोस्तों, कि 2000 स्टिपल चेज रेस जो होता है उसमें कितनी बाधाएं होती हैं? तो 18 हर्डल्स और 5 वाटर जंप्स होती हैं, यानी कि टोटल 23 हर्डल्स होती हैं 2000 स्टिपल चेज रेस में। ओके फ्रेंड्स, और बात कर लेते हैं 1500 स्टिपल चेज रेस में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 ऑर्डिनरी हर्डल्स और 3 वाटर जंप, यानी कि टोटल 15 हर्डल्स होती हैं 1500 स्टिपल चेज रेस में।
एंकर धावक का संबंध किससे होता है? और करेक्ट आंसर आप सभी ने गेस कर लिया होगा, रिले रेस के सेस का संबंध होता है। रिले रेस में 4 एथलीट्स मिलकर रेस को पूरा करते हैं और जो पहला खिलाड़ी रेस को शुरू करता है उसे एंकर मैन या एंकर धावक के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि इसे लीडिंग मैन के नाम से भी, सॉरी, जो समाप्त करता है, आपको बता दें, जो फिनिश करता है रेस को, यानी कि अंतिम धावक जो होता है उसे लीडिंग मैन के नाम से जाना जाता है। 100 मीटर दौड़ के लिए आपको देखिए दिया गया है, यहाँ पे स्प्रिंट रेस की बात की जा रही है कि स्प्रिंट रेस 100 मीटर के लिए आरंभ से अंत तक के जो क्रम है उनको व्यवस्थित करना है। और क्या है सही आंसर, यहाँ पे आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ईयर, यानी कि सबसे पहले होगा स्टिमुलस, उसके बाद होगा आपका देखिए प्रतिक्रिया समय यानी रिएक्शन टाइम, उसके बाद होगा एक्सीलरेशन फेज यानी कि तेज हो रहे हैं, धीमे से तेज की ओर जा रहे हैं, और लास्ट जो होगा वो होगा अनुक्षरण चरण। ओके फ्रेंड्स, दिस इज लास्ट स्टेज ऑफ 100 मीटर स्प्रिंट रेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग 400 मीटर ट्रैक में चौथा स्टैगर कितनी दूरी पर होता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 22.38 मीटर। और देखिए दोस्तों, आपको 400 मीटर ट्रैक जो कि एक स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसमें 8 लेन्स होती हैं और 8 लेन्स पे स्टैगर जो होते हैं वो अरेंज किए जाते हैं, तो उनकी दूरी क्या होती है ये आपको इस स्क्रीनशॉट से याद करना है। स्टैंडर्ड ट्रैक कितने मीटर का होता है, स्टैंडर्ड ट्रैक की जो मेजरमेंट होती है वो कितनी होती है? तो 400 मीटर का जो ट्रैक होता है उसे स्टैंडर्ड ट्रैक के रूप में जाना जाता है, जिसमें 8 लेन्स होती हैं और इसकी चौड़ाई जो होती है वो 1.2 से 1.25 मीटर तक होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेकाथलॉन में कितने इवेंट्स होते हैं? तो सभी को पता है 4 ट्रैक इवेंट्स एंड 6 फील्ड इवेंट्स इसमें शामिल किए जाते हैं। आपको पहले भी हमने बता दिया है कि ये 2 दिनों में आयोजित होता है और 5-5 इवेंट्स दोनों दिन आयोजित होते हैं, जिनमें जिनको टोटल मिला के 4 इवेंट्स जो होते हैं वो ट्रैक के होते हैं और 6 फील्ड इवेंट्स इसमें शामिल होते हैं। कृष्णा पूनिया का संबंध किस खेल से है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एथलेटिक्स। कृष्णा पूनिया का संबंध एथलेटिक्स के डिस्कस थ्रो इवेंट से है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों के डिस्कस का वजन कितना होता है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 किलोग्राम। एंड वोमेन के लिए जो इसका वजन होता है वो कितना होता है? 1 किलोग्राम वेट फॉर वोमेन। ओके, और जो इसका व्यास होता है वो कितना होता है? 2.50 मीटर इसका व्यास होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, IAAF का फुल फॉर्म क्या है? पहले ही हमने आपको बता दिया है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कहीं पे भी इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन के साथ जाएंगे, जो कि अब नाउअडेज वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिपल चेज रेस में वाटर जंप अकेले पूछ रहा है कि सिर्फ वाटर जंप कितनी होती हैं? तो 7 होती हैं। भारतीय फ्लाइंग सिख कौन थे और फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह जी को, आप सभी को पता है। और मिल्खा सिंह ने देखिए 1958 एशियन गेम्स में जो है 200 एंड 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था और 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक भी जीता था और 1960 रोम ओलंपिक में ये कांस्य पदक से चूक गए थे, इसलिए इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें ये काफ़ी फेमस हैं ओलंपिक गेम्स के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा पूनिया का संबंध किससे है? तो डिस्कस थ्रो से आप सभी को हमने बता दिया है। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 400 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से समाप्ति रेखा की दूरी कितनी होती है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 40 मीटर इज करेक्ट आंसर। नाउ अगेन आपको ये चार्ट दिखा रहे हैं देखिए, और जो यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है फर्स्ट हर्डल से स्टार्टिंग पॉइंट की हर्डल्स की आपस में डिस्टेंस और लास्ट हर्डल से फिनिशिंग पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो 400 मीटर यानी कि मेन एंड वोमेन दोनों के लिए बिल्कुल बराबर होती है, आप देख रहे हैं।
ओके फ्रेंड्स, लेकिन जो हाइट होती है एडल्ट्स की वो अलग अलग होती है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस चार्ट से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, गोला फेक यानी शॉर्ट पुट के सेक्टर का कोण कितना होता है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 34.92 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट से रिलेटेड क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बता दिया है। शॉर्ट पुट फॉर मेन्स 7.260 किलोग्राम, शॉर्ट पुट फॉर वोमेन 4 किलोग्राम एंड लैंडिंग सेक्टर का जो एंगल होता है वो 34.92 डिग्री होता है। एथलेटिक्स में प्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले कौन है? गुरुवचन सिंह इस करेक्ट आंसर। गुरुवचन सिंह रंधावा को 1961 में एथलेटिक्स का फर्स्ट अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेकाथेलॉन की सातवीं इवेंट कौन सी होती है? और बात की जा रही है कि डेकाथेलॉन का जो सेवेंथ इवेंट होता है यानी कि दूसरे दिन आयोजित होने वाले दूसरे नंबर की प्रतियोगिता के बारे में बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पहले दिन में 5 इवेंट होते हैं, दूसरे दिन में जो दूसरा नंबर इवेंट होगा वो सातवां इवेंट कहलाएगा, यानी कि बात की जा रही है यहाँ पे किसकी, आपको बता दें भाल, जिसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, जेबलिन थ्रो इस करेक्ट आंसर। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, डेकाथेलॉन के सेवेंथ इवेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहले दिन जो आयोजित होते हैं वो 5 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, और दूसरे दिन जो आयोजित होते हैं तो 110 मीटर बाधा दौड़ और दूसरे नंबर पे हो जाएगा डिस्कस थ्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हियर। यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन नंबर डी नहीं दिया, सॉरी डिस्कस थ्रो नहीं दिया हुआ है। गोला फेंक का मतलब शॉर्ट पुट होता है। तो हम आपको बता दें कि डेकाथेलॉन की जो सेवेंथ इवेंट होगी वो क्या होगी, डिस्कस थ्रो होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th एशियन गेम्स में डिस्कस थ्रो में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? सीमा पूनिया ने। भारतीय एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष कौन है? तो आदिल जे सुमारीवाला। और आप इस क्वेश्चन को अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि ये चेंज हो सकते हैं करंट में। भारतीय एथलेटिक्स संघ के सचिव कौन है ये भी आपको नेट से चेक करना है। 400 मीटर ट्रैक के लिए फुल स्टैगर का फॉर्मूला कितना होता है? तो बात की जा रही है ऑप्शन नंबर ए की, WN-1 -0.10 × 2π इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैगर फॉर 400 मीटर ट्रैक स्टैगर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 मीटर ट्रैक का स्ट्रेट 84.39 मीटर है, तो कर्व की लंबाई कितनी होगी? एंड द करेक्ट आंसर 115.61, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में बाधा की जो ऊंचाई है आप सभी को पता है 0.91 फॉर यहाँ पे मेन के लिए बात की जा रही है। 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में हर्डल की बात की जा रही है। ओके फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने चौथा स्थान प्राप्त किया? और बात की जा रही है 1960 रोम ओलंपिक, पहले ही हमने आपको बता दिया है 400 मीटर दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रह गए थे और कांस्य पदक से चूक गए थे। हेप्टाथेलॉन की तीसरी इवेंट क्या होती है? और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, हेप्टाथेलॉन जो होता है वो महिलाओं के लिए आयोजित होने वाली मिक्स्ड ट्रैक एंड फील्ड इवेंट होता है जिसमें कुल 7 इवेंट शामिल किए जाते हैं। और पहले दिन जो होते हैं देखिए वो कौन कौन से इवेंट होते हैं, 100 मीटर हर्डल रेस, देन हाई जंप, शॉर्ट पुट एंड 200 मीटर रेस। इस ये पहले दिन आयोजित होने वाले जो 4 मुख्य इवेंट्स होते हैं। और दूसरे दिन जो होते हैं वो 3 इवेंट्स शामिल किए जाते हैं, लंबी कूद, जेबलिन थ्रो तथा 800 मीटर रेस। हैमर की कुल लंबाई कितनी होती है? एंड द करेक्ट आंसर 1175 मिलीमीटर टू 1215 मिलीमीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग डिस्कस थ्रो का सेक्टर कोण क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 34.92 डिग्री। 100 मीटर की दौड़ में कितने फॉल्स स्टार्ट गलत शुरुआत लिए जा सकते हैं? एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। किसी भी धावक द्वारा लिए गए पहले त्रुटिपूर्ण आरंभ यानी कि गलत स्टार्ट को क्षमा कर दिया जाता है, परंतु इसके उपरांत किसी भी धावक द्वारा त्रुटिपूर्ण आरंभ होने पर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक फॉल्स स्टार्ट जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। 2012 लंदन ओलंपिक में विकास गौड़ा का कौन सा स्थान रहा? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 8वां। कौन से एशियन गेम्स में मंजू बाला ने हैमर थ्रो स्पर्धा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया?
2014 एशियन गेम्स की बात यहाँ पे की जा रही है। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, और हम कैसे भूल सकते हैं कमलजीत संधु जी को। जी हाँ दोस्तों, कमलजीत संधु ही वो भारतीय महिला है जिन्होंने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था 1970 में। 400 मीटर रेस में 57.3 सेकेंड का समय निकाल कर इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। महिला गोला फेंक यानी कि फीमेल शॉट पुट का सेक्टर कितना होगा? 34.92 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 मीटर दौड़ में लेन नंबर 3 का स्टैगर कितना होगा? तो पहले हमने आपको बता दिया है 7.35 मीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, अगेन हम आपको दे रहे हैं स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आप ले लीजिए और सभी स्टैगर्स के लिए आठों लेनों के लिए दूरी आप अच्छे से याद कर लीजिए। 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस का भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम पे है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। तो आप इस क्वेश्चन को अपडेट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार कि 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस का जो भारतीय रिकॉर्ड है वो किसके नाम पे है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल वॉल्ट इवेंट में एक ऊंचाई पर कितने अवसर दिए जाते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 3 अवसर दिए जाते हैं, एक एक मिनट का समय दिया जाता है। अगर ऊंची कूद में आखिरी एक जंपर है तो ऊंचाई बढ़ाई जाएगी, तो कितनी बढ़ाई जाती है? देखिए उसकी इच्छा के अनुसार हाइट जो है वो बढ़ाई जाती है। एक एथलीट या जंपर चीफ जज द्वारा पूर्व ऊंचाई पर अपनी इच्छा अनुसार किसी भी ऊंचाई तक जंप कर सकता है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AAFI 1946। लंबी कूद इवेंट में कॉलिंग टाइम होता है, एंड द करेक्ट आंसर 1 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। डिस्कस थ्रो में सर्कल की चौड़ाई कितनी होती है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 2.50 मीटर। बात की जा रही है डिस्कस थ्रो की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, विजय सिंह चौहान का संबंध किस गेम से है? तो इनका संबंध जो है वो किससे है? डिस्कस थ्रो से है, आप सभी को पता, सॉरी डेकाथलॉन से, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन ओलंपिक 2012 में कृष्णा पुनिया का स्थान कौन सा था? तो 7th स्थान इन्होंने हासिल किया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। 100 मीटर दौड़ शुरू होने पर टाइम कीपर ब्लॉक को ऑपरेट करते हैं। देखिए RPSC स्कूल लेक्चर एथलेटिक एग्जाम्स यानी कि सभी राजस्थान PSC का पेपर देने वाले साथियों, राजस्थान PTI की तैयारी करने वाले साथियों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। बंदूक की लौ पर 100 मीटर दौड़ शुरू होने पर टाइम कीपर ब्लॉक को ऑपरेट करते हैं बंदूक की लौ पर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो इस क्वेश्चन को भी आपको हमें अपडेट करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि जो 2024 ओलंपिक होंगे वो कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिले बेटन का वजन कितना होता है? और बात की जा रही है वेट ऑफ द बैटन इन रिले रेस। इन द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 50 ग्राम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक इवेंट में एक लेन के लिए कम से कम कितनी घड़ियाँ होती हैं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 3 घड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक के लेन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.22 से 1.25 मीटर। TC योहानन का लंबी कूद में रिकॉर्ड क्या है? तो 8.07 मीटर का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है तेहरान एशियन गेम्स 1974 में। एथलीट परमजीत चौधरी ने कौन कौन से ओलंपिक में भाग लिया था? सारे क्वेश्चन राजस्थान PTI के ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, तो पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो किससे है इनका संबंध? सिडनी 2000 ओलंपिक से इनका संबंध है। स्टिपल चेज रेस में कितनी बाधाएं होती हैं? 28 हर्डल ऑर्डिनरी जंप एंड 7 वाटर जंप, 35 हर्डल रेस आर देयर। हिच किक टेक्निक का इस्तेमाल किस में किया जाता है? लंबी कूद में किया जाता है। हेप्टाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो 7 स्पर्धाएं शामिल होती हैं। डेकाथलॉन में 10 स्पर्धाएं शामिल होती हैं। हेप्टाथलॉन के इवेंट्स को आप पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है प्रतियोगिता, तथा जो व्यक्ति इस प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेता है उसे एथलीट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊंची कूद की तकनीक नहीं है? तो देखिए कौन सी नहीं है, हॉप स्टेप एंड जंप जो है ये ट्रिपल जंप के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड होता है, इसलिए ये किसी भी
जंप से रिलेटेड नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिताएं किसके नियमों के तहत आयोजित की जाती हैं? और करेक्ट आंसर हम आपको बता दें, वर्ल्ड एथलेटिक्स। और वर्ल्ड एथलेटिक्स यानी 2019 के पहले IAAF के थ्रू इनका आयोजन किया जाता था। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन इस फुल फॉर्म ऑफ IAAF। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु वेग को मापा जाता है किसकी सहायता से? मापा जाता है विंड गेज की सहायता से मापा जाता है। एथलेटिक्स में दौड़ शुरू करने के कितने प्रकार होते हैं? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2, यानी कि दौड़ शुरू करने के दो प्रकार होते हैं। पहला, सभी छोटी दौड़ों को यानी स्प्रिंट रेसेस को जो है वो झुक कर या ब्लॉक पर बैठ कर शुरू किया जाता है। और दूसरा, सभी प्रकार की मध्यम और लंबी दूरी की यानी कि मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग जो होती है उनको स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े होकर स्टार्ट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का निवासी है? जमैका इस करेक्ट आंसर। एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध लंबी कूद से है। और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये केरल राज्य से बिलोंग करती हैं। डिस्कस थ्रो में रिटर्निंग लाइन की लंबाई कितनी होती है? तो 75 सेंटीमीटर होती है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है, तो वीडियो को पूरा पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रैक एंड फील्ड शब्दावली में से संबंधित नहीं है? तो फास्ट ब्रेक, क्योंकि इसका संबंध होता है बास्केटबॉल से, तो ये जो है ट्रैक एंड फील्ड से संबंधित नहीं है। किस एथलेटिक विशेषज्ञ को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था? श्री करण सिंह जी को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। 1995 में प्रोफेसर करण सिंह को एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 800 मीटर रेस में भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम पे है? तो इस क्वेश्चन को आप अपडेट कर लीजिएगा। कौन से एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले रेस में नया एशियन कीर्तिमान हासिल किया है? और बात की जा रही है 2014 इचियोन एशियन गेम्स की, जिसमें भारतीय महिला टीम ने 4x400 मीटर में नया रिकॉर्ड बना के स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 4x100 मीटर रिले रेस जोन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड ट्रैक में 200 मीटर दौड़ में स्टैगर का फॉर्मूला कितना होगा? और बात की जा रही है 200 मीटर स्टैगर के फॉर्मूले की, तो जो फॉर्मूला होगा वो हम आपको बता देते हैं। WN-1 नंबर 1 पॉइंट माइनस 0.10 इंटू पाई इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे 2 नहीं होगा क्योंकि 200 मीटर दौड़ की बात की जा रही है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे हमने आपको बता दिया है WN-1 -0.10 यहाँ पे होगा सेंटीमीटर इंटू पाई, यानी कि 400 मीटर के लिए 2 पाई होता है, पर 200 मीटर के लिए पाई यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। एथलीट श्री राम सिंह का ओलंपिक में कौन सा स्थान रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 7वां स्थान रहा है। श्री राम सिंह 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक 800 मीटर फाइनल में 7वें स्थान पर रहे थे। स्टैंडर्ड ट्रैक में 80 मीटर स्ट्रेट लाइन है, तो कर्व निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 2πr। ऊंची कूद के प्रतियोगिताओं के लिए स्थानों के सही क्रम को चुनिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। पेंटाथलॉन इवेंट निम्नलिखित में से किस क्रम में होते हैं? देखिए तो इसमें 5 इवेंट्स होते हैं, आपको बता दें, जिसमें घुड़सवारी, शूटिंग, तलवारबाजी, फ्री स्टाइल स्विमिंग एंड 3 किलोमीटर क्रॉस कंट्री जो है वो शामिल किए जाते हैं। पेंटाथलॉन यानी कि 5 इवेंट्स इसमें शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित में से हेप्टाथलॉन में से कौन सी स्पर्धा सम्मिलित नहीं की जाती है? देखिए तो ये सभी जो होते हैं वो हेप्टाथलॉन में शामिल किए जाते हैं। 100 मीटर रेस और 100 मीटर हर्डल होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि 100 मीटर हर्डल रेस होती है हेप्टाथलॉन में, ना कि 100 मीटर स्प्रिंट रेस। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है कि यहाँ पे 100 मीटर स्प्रिंट रेस की जगह 100 मीटर हर्डल होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 मीटर हर्डल रेस में, लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दें, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 110 मीटर हर्डल रेस में प्रारंभिक रेखा से फर्स्ट यानी कि स्टार्टिंग लाइन से फर्स्ट हर्डल की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 13.72 मीटर। ओके फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाधाओं की आपस में दूरी कितनी होती है। तो 9 हर्डल्स जो होती हैं वो 9.14 मीटर पे होती हैं और अंतिम हर्डल की जो फिनिशिंग पॉइंट से दूरी होती है वो होती है 14.02 मीटर। ऑफर यानी कि युवा शारीरिक स्वस्थता परीक्षण के कुछ अंग हैं, आपको देखिए यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है, कौन से 6 टेस्ट बैटरी आइटम यूज किए जाते हैं ऑफर युवा फिटनेस टेस्ट में। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुल अप्स, सिट अप्स, शटल रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप एंड 50 yard dash इज करेक्ट आंसर। नाउ ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट, वीडियो को पूरा पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। दौड़ लंबी कूद के सीक्वेंस को सही क्रम में बताना है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, अप्रोच रन, टेक ऑफ, फ्लाइट एंड लैंडिंग। डेकाथलॉन के प्रथम दिन होने वाले इवेंट्स को आपको बताना है, पहले ही हमने बहुत अच्छे से डेकाथलॉन आपको समझा दिया है, हेप्टाथलॉन के इवेंट्स भी हमने आपको बता दिए हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कूदते समय संपूर्ण टेक ऑफ के निम्नलिखित चरणों को आपको सही क्रम में बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, सबसे पहले नंबर पे होता है भूमि स्पर्श, नंबर टू पे होता है धक्का सहन, नंबर थ्री पे होता है सक्रिय खिंचाव और नंबर फोर पे होता है टेक ऑफ। दिस इज करेक्ट सीक्वेंस हियर। नाउ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, क्रॉस बार पार करने के बाद पोल वॉल्टर की ऊंची से नीचे की ओर गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। एंड द करेक्ट आंसर नियमित रूप से त्वरित गति का उदाहरण होता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, 400 मीटर की एक दौड़ में द्वितीय दौड़ पथ के धावक में 7.04 मीटर के स्टैगर दूरी से दौड़ना आरंभ करता है तो उसकी समाप्ति पर कुल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समाप्ति पे जो है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को आज हमने यहाँ पे फिनिश किया है, साथ ही साथ एथलेटिक्स पार्ट 3 को भी हमने फिनिश कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।